फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? ठीक ठाक। आज के इस वीडियो में क्या कुछ है, चलिए इसके लिए वीडियो तक चलना होगा और कुछ खास ही है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं क्या कुछ है। तो आइए, तो ये हमारे पास एक फैन का मोटर आया है जिसका क्या प्रॉब्लम है, आइए देखें। तो इसमें फॉल्ट क्या है, सबसे पहले जब हम इसका जो कोड है उसे चेक करेंगे, इसका कंटिन्यूटी वगैरह को चेक करेंगे। जो प्रोसेस है फर्स्ट में यही है, अगर नहीं चल रहा है फैन तो कंटिन्यूटी पे रखेंगे। लाइट चली गई तो इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो नहीं बता रहा है। ये हम जब शॉर्ट किए थे तो बताया था ऐसे, लेकिन यहाँ नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैक साइड को खोल लेंगे, और बैक साइड खोलने के बाद इसका नज़ारा कुछ और ही है। आप ये देख सकते हैं रेड वाला वायर, इसे किस तरह से चूहा कुतर चुका है। और सिर्फ यही नहीं, इसका ये देखिए क्वाइल का क्या स्थिति है, ये थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। आप देखिए ये दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से कितना सारा क्वाइल को काट चुका है। तो इसे हम बाहर निकालेंगे, तो ये निकल चुका है और देखिए इसमें कितना सारा वायर बिल्कुल कुतर दिया है। तो अब इसे क्या करना है, वैसे तो हम रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट हैं, रिपेयर ही ज़्यादातर करते हैं, तो अगर इतना सारा वायर कट जाए तो आप अगर चाहें तो सिर्फ एक क्वाइल इसे चेंज करके ठीक कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो पूरा सभी को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसका सिर्फ एक क्वाइल, ये रनिंग वायर, रनिंग का जो क्वाइल है, इसे चेंज करेंगे और इसे रिपेयर करेंगे। लेकिन चेंज करने से पहले इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है उसे हम चेक कर लेंगे, उसका कंटिन्यूटी प्रॉपर है या नहीं है। तो देखिए इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है वो प्रॉपर सही बता रहा है, और ये रनिंग वाला जो यहाँ से कटा हुआ है ये नहीं बता रहा है। तो एक कॉइल चेंज करने के बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसका सिर्फ एक कॉइल हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले इस कॉइल को हम निकाल लेंगे, इसका रेपर निकाल लेंगे, इसे हम निकाल लेंगे। जिस तरह से, अगर आप नए हैं तो आपको ये ध्यान देना है, इसका दो वायर जो है दोनों छोर, ये इसे आप ध्यान से काट लें ताकि इसमें बाद में दोनों छोर को ज्वाइंट किया जाए, ठीक है। इसके बाद अगर आप नए हैं तो इसका जो कॉइल का
टर्न है उसे आप गिनती कर लीजिएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 165 टर्न है, आप डाल सकते हैं। वैसे आपका अगर फैन है तो सेम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसमें 165 टर्न डालते हैं और वही डालेंगे, लगभग उतना ही होना चाहिए ये। और 31 नंबर का ये अल्मोनियम वायर है, सिल्वर, और इसका कॉइल बनाते हैं। जो इसका साइज है इसी साइज में बना लेना है, 165 टर्न का एक कॉइल। तो ये जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरह से हम इसका एक कॉइल बना लेंगे 165 टर्न का। इसके बाद इसको लगाएंगे, चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सिर्फ एक कॉइल चेंज करने से अगर मोटर बन जाता है तो पूरा कॉइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉइल बन चुका है, अब इसको हम स्टेटर के अंदर डालेंगे। तो हमारा जो ये कॉइल का छोर, दोनों छोर जो निकला हुआ है वो इस तरफ रहेगा जिस तरफ से ये वायर है, ताकि ज्वाइंट करने में आसानी हो। तो हमें इसमें डबल करना है जो बिल्कुल खाली हो गया था, उसमें डबल कर देना है, और एक जो सिंगल है उसमें सिंगल आ गया, यानी 6 नंबर पे डबल और 4 नंबर पे सिंगल, इसको डाल देना है। इसी में वापस इस तरह से घुमा के और डबल, ये एक तरफ का डल चुका है। तो इसमें हम रेपर लगा देंगे ताकि कॉइल जो है बाहर ना निकले। इसके बाद ये दो डल चुका है 6 नंबर पे, यहाँ ये देखिए यहाँ से यहाँ डल चुका है। अब 4 नंबर पे यहाँ और यहाँ ये जो बच रहा है सिंगल, इसको डाल देना है ऐसे। तो ये एक और यहाँ डल चुका है, इसमें रेपर लगा लेंगे। इसके बाद एक कॉइल और डालना है, ये वाला। तो ये कॉइल डल चुका है, अब यहाँ पे भी हम रेपर लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि हमने रेपर लगा दिया है, देखिए, लेकिन कुछ वायर रेपर से बाहर है। अब इससे क्या होगा कि करंट आपको बॉडी में आ सकता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि रेपर के अंदर ही सारा वायर रहे। तो हम इसे अंदर कर लेंगे। अब ये ठीक हो चुका है, और सबसे पहले जो कॉइल हमने डाला है उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक कॉइल, पुराना कॉइल में एक नया कॉइल डालने में थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि कॉइल जो है गर्म होकर थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से। तो ये देखिए इसका कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कनेक्शन करना, क्योंकि कनेक्शन अगर सही नहीं होगा तो टोटल मेहनत आपका बेकार चला जाएगा, पंखा चलेगा नहीं।
इसलिए कनेक्शन करते समय यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है आपको। ये वायर सारा छोटा हो गया था और ये चूहा इसे कतर दिया है, इसलिए इसे हम चेंज कर लेंगे। ये एक वायर यहाँ पे और हल्का सा कटा हुआ था, इसको हम काट कर और अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे कनेक्शन को हम पूरी तरह से समझ लेंगे। ये देखिए, एक वायर ये और एक वायर ये, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दो वायर आउटपुट हो गया, ठीक है। ये दो वायर, अब इनर का ये रनिंग का जो है, एक वायर हमारा ये आउट हो रहा है, और अगर हम इसको आउटर मान लें तो ये साइड वाला जो वायर है ये इनर हो गया, अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ये एक वायर हम इसको आउट कर लिए बाहर के लिए, तो ये आउटर अगर इसको मान ले ये आउट हो गया, और दूसरा वायर इसका ये निकला है ये इनर, तो ये इनर से इनर आ गया यहाँ, और इसका जो आउटर है ये देखिए, ये वाला वायर, ये वायर इसका आउटर यहाँ से निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ से ये आउटर से आउटर हो गया ये ज्वाइंट, और ये इनर बच गया, तो इनर से इनर यानी जो हमने कॉइल लगाया है ये वाला, ये इनर से इनर यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, एक कॉइल ये बाहर आ जाएगा, एक ये बाहर आ जाएगा, दो, और दो कॉइल हमारा ये स्टार्टिंग वाला है चार। तो बस हमें सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइंट कर देना है और बाकी ये चारों तार को बाहर निकाल देना है, इसको और इसको बाहर, और ये दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। अब एक बार फिर से इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग, और ये देखिए आ गया रनिंग का, तो ये ठीक हो चुका है, बॉडी करंट लीकेज नहीं है। ठीक है, ये अब इसका वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल लेना है। तो ये वायर निकल चुका है, ये ब्लैक को हमने कॉमन दिया है, और ये रेड पे भी हमें सप्लाई देना है, और ये एक ब्लैक, तीन वायर हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम इस तरह का डाल लेंगे रेफर, और इसको सिलाई कर लेंगे, इसमें रेफर डालकर सिलाई कर लेना है। तो इसका सिलाई हो चुका है, तीन वायर बाहर निकल चुका है। अब इसको बॉडी में फिट करेंगे, इसके बाद चलाकर देखेंगे। उससे पहले इसमें टेप लगा देंगे क्योंकि चूहा काट दिया था, तो टेप लगा देने से कुछ तो बचाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब हम बॉडी के अंदर फिट करेंगे। फिटिंग हो चुका है, इसका रोटर जो है उसको लगाएंगे, ये वाला। तो अब ये फिटिंग हो चुका है, ये देखिए, और अब इसको हम चलाकर देखेंगे। पहले इसका करंट का लीकेज वगैरह चेक कर लेंगे, ये देखिए करंट लीकेज नहीं है, ये उल्टा चल रहा है और ये सीधा चल रहा है।
तो इस तरह से सिर्फ एक कॉइल जो कटा हुआ था, एक कॉइल चेंज करने से ये फैन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये फर्स्ट क्लास बहुत ही बढ़िया, कहीं से जरा सा भी शोर शराबा भी नहीं है, फर्स्ट क्लास ये चल रहा है। तो इस तरह का अगर समस्या आपके साथ है, प्रॉब्लम्स में आप हैं, तो इस वीडियो को देखकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बताएंगे कि चूहा अगर कटर देता है आपके कॉइल को, तो उसे बचने का उपाय है, इसमें आप जाली लगा सकते हैं। जाली यानी जो पतला जाली होता है खिड़की वगैरह में लगने वाला, बालू को चालने वाला, वो जाली आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ पे होल करके। इसके बाद ये जाली, ये जो फैन में जाली होता है, उस जाली के साथ यहाँ पे टाइट कर देना है, तो इसमें के अंदर, इसके अंदर चूहा जो है नहीं जाएगा और आपका कॉइल नहीं कुतर पाएगा। ये इसका एक सलूशन है। और फिलहाल आपके साथ इस तरह का कोई एक कॉइल जला हुआ कटा हुआ है जो रिपेयर होने लायक नहीं है, तो सिर्फ एक कॉइल चेंज करके आप अपने फैन को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।